भारतीय जनता पार्टी पक्ष बालेश्वर में अनुषित मिश्रण पर्व साथी और समर्थकों सह दल में जोगदे भोगराईर कांग्रेस नेता आशीष पात्र। भारतीय जनता पार्टी पक्ष बालेश्वर में एक मिश्रण पर्व अनुषित स्थानीय रॉयल क्वीन सम्मेलन कक्षर अनुषित एक कार्यक्रम भोगराई निर्वाचन मंडल आगधाड़ी कांग्रेस नेता तथा कुंभारमूली पंचायत समिति सभ्य आशीष कुमार पात्र तथा विभिन्न पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधि और श्री पात्र शताधिक समर्थक बीजेपी में विधिवत भाव सामिल होती। सांसद प्रताप चंद्र षडंगी और बीजेपी जिला सभापति उमाकांत महापात्र उपस्थित रही श्री पात्र समेत समस्त नवागत दलय उत्तरीय और टोपी पिंधाई स्वागत जनाइले। आज शताधिक लोक श्री आशीष पात्र नेतृत्व में कांग्रेस दल छाड़ बीजेपी दल सामिल हेले अन्य दल कि आद्वारा भारतीय जनता पार्टी भोगराई निर्वाचन मंडल सशक्त हो बहुत लोग कांग्रेस आस्था हर तार दृश्यमान ना कांग्रेस पार्टी बाकी बीजेडी कुशासन दीर्घ 25-30 वर्ष बीजेडी कुशासन जर्जरित जनता बर्तमान त्राही त्राही डाक छाड़ श्रीमान आशीष पात्र कांग्रेस संपादक थिले ब्लॉक अर्थात पूरा निर्वाचन मंडल तेणु तक हाथ में बहुत बड़ सांगठनिक सामर्थ्य अच्छी तेणु धीरे धीरे अन्यान्य दलर समस्त आसिक बीजेपी में सामिल हे और खूब शीघ्र भारतीय जनता पार्टी हजार हजार लोक कांग्रेस और बीजेडी आसिक सामिल हे भारतीय जनता पार्टी से विजयी हे एमएलए एमपी उभय आम जित देखु पृथ्वी एकमात्र मुख्यमंत्री नवीन बाबू ओडिशार मुख्यमंत्री जे कि निज मातृभाषा कथा कही जानती ना आज ओडिशारे से उत्तराधिकारी करने जन तमिल लोक को बाछी बोधहुए मोर शंका दुईट आसन से ढड़ा होती गोटे आसन गला बाट देखिए समर्पण करेंगे मोर एटा सन्देह। ओडिशारे श्री जगन्नाथ को बारंबार अपमानित कराई रत्न भंडार चाबी चोरी नाना भाव ओडिया अस्मिता एटी लुंठित तेणु ओडिशार स्वाभिमान अस्मिता गौरव को रक्षा करने नवीन सरकार को धराशायी करिवो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत निर्माण संकल्प तथा जनकल्याणकारी योजना एवं सांसद श्री षडंगी विकासमूलक कार्य अनुप्राणित हो बीजेपी रे सेमाने सामिल होता श्री पात्र एक दल विश्व गोटे दल कह बड़ दल कह बुझाए जो दल मापा जा नपे जो दल कार्यक्रम करने आज देखु दीर्घ 25 वर्ष धरी नवीन सरकार अच्छी जदि हटे पड़े जदि आज ओडिशा रो गरीब गरीबा लोक अच्छा उन्नति करने बीजेपी दल ने कार्य करने पड़े कांग्रेस दल थी जो दल थी से कार्य कर आशायी हवाटा सब दीर्घ दिन आज 30 वर्ष 34 वर्ष धरी राजनीति में सक्रिय राजनीति में अच्छी आशा थिला से आसनी दल टिकट दबो बीजेपी दल टिकट दबो से आशे आसीनि मुझे यहीं दीर्घ 25 वर्ष जो नवीन सरकार अच्छी जो कार्यक्रम करुच्ची पंचायत आरंभ कर गांव टू आरंभ कर जो कार्य गरीब तैयारी करवा योजना बनई आज भारत वर्ष जिते राज्य अच्छी समस्त ओडिशा हूँ गरीब राज्य जेहेती खणी खादान सब भरपूर अच्छी से तुलन में आम देश से डेभलपमेंट डेभलपमेंट रिसेंटली आपण दुईटी अखाबेत एवं हजार टंका दिहाई निर्वाचन पूर्व मोर प्रथम कथा हूँ मुझे बोगराईवासी बोगराई लोक दाबी उपस्थापन करते आवश्यक जो बोगराईर समग्र आम पान चाष पर निर्भर कर पान खड़ी आकड़े पान आड़ी को कृषि मान्यता हमें दीर्घ दिन कांग्रेस दल जो थी दावी कर प्रथम लक्ष्य रम बोगराईवासी जो चलु दीर्घ आज जन्मदिन आज डेभलप कर राजनीति को आसी पानु आज पान चाषर आज डेभलपमेंट कर पान चाषी खड़ी चाषी आज पूरा चलित यार कृषि मान्यता पान एवं खड़ी को कृषि मान्यता देखा ओनली एकमात्र दल विकल्प दल हूँ बीजेपी दल भारतीय जनता पार्टी दल एवं आम यशस्वी प्रधानमंत्री अच्छा दावी टाक उपस्थापन करी भावपर कारण कंग्रेस रही जिन लोक सेवा करने गोटे दल आवश्यकता से बीजेपी दल ने
ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଯୋଉ ଦଳ ରୁହେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ବୌଦ୍ଧ ସେଣ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ସୋସାଇଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦୀର୍ଘ 20-25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି। ମୋର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଯୋଉ ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକମାତ୍ର ସରକାର ହେଉଛି ବିଜେପି ସରକାର, ନିହାତି ଆଣିବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବା ଦରକାର ଅଛି, ହେଲେ ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୟରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ରାଧାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଗୁଣାଇବସାଣ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁମତୀ ପାତ୍ର, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ କମଳଲୋଚନ ଦେ, ଗୁଣାଇବସାଣ ପଞ୍ଚାୟତର ସସ୍ମିତା ଦେ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭଞ୍ଜ, ପ୍ରଦୀପ ବାରିକ, ପ୍ରକାଶ ଦତ୍ତ, କମଳଲୋଚନ ଦାସ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ପାତ୍ର, ବସନ୍ତ ଦାସ ଅଧିକାରୀ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ଦତ୍ତ, ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପରଶୁରାମ ପରିଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ ସାହୁ ଓ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଜୟନ୍ତ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନବାଗତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ସଂଯୋଜକ ଅନିଲ ମହାନ୍ତି ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।